सबसे कामयाब लेखक, लेकिन पूरे राज्य में कैसे लोग पढ़े हैं, कोई मेरी कहानियां पढ़ना ही नहीं। अब देखना, इस खूबसूरत माहौल में मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो सबके होश उड़ा देगी, फिर सब याद रखेंगे मेरा नाम। अरे महान लेखक के बैठने के लिए कुछ बिछाना पड़ेगा। ये देखो बड़ा पत्ता। बेवकूफ बच्चे, मैं उनका मनपसंद शहद भी लाया हूँ। मैं उस नए लेखक और उसके चमचों को सबक सिखा के ही लेखक बनना कितना कठिन काम है। चलो शुरू करते हैं। मेरी कहानी का शूरवीर है हाँ, एक महाशक्तिशाली लड़का, बिल्कुल भीम जैसा। नहीं, भीम जैसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे शूरवीर का नाम है अरे कालिया जैसा कोई नाम चाहिए होगा। क्या होगा? हाँ, मालिया। और अगर तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हो तो जंगल में घूम रहा था डुक 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 डुक, और फिर अचानक उसने देखा आसमान से एक तेज आते हुए। ओए कालिया, तुमने मेरा तीर ढूंढ लिया और अब तुझे वापस कभी नहीं मिलने वाला। और ये क्या पहना है तुमने कालिया? तुम क्या समझोगे एक लेखक की पहचान और शान? तुम लेखक बन गए? चुप रहो राजू, निकलो यहाँ से। ठीक है, जैसा आप चाहें। देखा राजू और जग्गू कैसे सीधे चलने लगे? पता है जग्गू, ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम सही में एक जबरदस्त लेखक हो तो रुको। क्या कहा तुमने? असली लेखक को कैसे पहचान सकते हो? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, बुरा मान गए। बैठो ना। तो ऐसा कहा गया है कि अगर तुम एक असली लेखक हो तो तो तुम जो भी लिखोगे सच हो जाएगा। एक मिनट, अपनी किताब मुझे दो। ये देखो, तुमने लिखा था ना कि शूरवीर आसमान से कुछ आते हुए देखते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो ये था। अब तुम जो भी लिख रहे हो सच हो रहा है। मुझे पता था।
लेखक हूँ। क्या तुम तुम्हारे शूरवीर जैसे ये भारी चट्टान उठा सकते हो? क्या कमाल हो गया, मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर जैसा शक्तिशाली। अरे यहाँ क्या हो रहा है? भीम, अब तुम मुझे पंजे में नहीं हरा सकते। चलो हो जाए मुकाबला, मुझे अब कोई नहीं हरा सकता। ये कैसे हो गया? तो ये बेवकूफ बच्चा समझता है कि जो भी ये लिखता है सच हो जाता है। अब मैं उसकी कहानी खत्म कर देता हूँ। ये क्या, मेरी कहानी अपने आप आगे बढ़ रही है? जैसे कहूँ करते जाओ, सच में शूरवीर बनते जाओ। जैसे कहूँ करते जाओ, सच में शूरवीर बनते जाओ। और क्या लिखा है देखता हूँ। शूरवीर जाता है पुराने बरगद के पेड़ के पीछे। ये क्या, नक्शा भी दिया है। चलो ढोलू बोलू, यही कहीं है। हाँ, उसके पीछे चलो चलो। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, सावधान रहना, जमीन दलदली है। लेकिन गया कहाँ? जमीन के अंदर। तैयार हो? एक दो तीन छलांग। वो देखो, शूरवीर ने चांदी जैसे चांद को देखा और फिर एक सुंदर प्रेम गीत गाने लगा। रायचुमान, ढोलकपुर की सबसे घटिया प्रेम कथा का लेखक, और हम तुम्हारी कहानी को एक अनोखा अंत देने आए हैं। अब तो कहानी एकदम मसालेदार बन गई। छोटे वीर। हमेशा हमेशा के लिए कुल हो गए। मेरी दुखद कहानी सबको बहुत पसंद आएगी और मुझे मिलेगा पैसा, शान, इज्जत और इनाम। अब हम दिखाते हैं कि हर कहानी में बदमाश का क्या हाल होता है। अब ये कहानी खत्म। जेल में जितना चाहो लिख सकते हो। मेरी कहानी।